हेलो, एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के क्वेश्चन पर, तो किसी इशू की वजह से पूरा लेक्चर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया। आज नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के ऊपर, तो वो अच्छे से देख के आइए। अगर आप बिल्कुल पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो कंसेप्ट जरूर क्लियर करके आइए ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं ट्वेल्थ बोर्ड के लिए और जेईई मेंस एडवांस का कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखना और कंसेप्ट को पकड़ना, ठीक है। अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं तो चलो वीडियो करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। 28 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, क्या लिखा हुआ है देखो। लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या होता है कि लैंग्वेज को देखकर ही सीरीज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे ना, इस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के साथ रिलेट करो जो आपने पढ़ा हुआ, जो आपको आता है। क्या कहा है, एक सेट जेड है, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट जेड। एक सेट आपका जेड है और एक रिलेशन आर है, जेड के ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन की गई है, सच दैट दो एलिमेंट बेटा कब रिलेटेड है। देखो ये सारा कुछ हमने किया हुआ है, दो एलिमेंट ए और बी अंडर आर एक दूसरे के रिश्तेदार कब हैं, अगर ए माइनस बी करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, ये भी ठीक है। देन आर पार्टीशन द सेट जेड, आर सेट जेड की पार्टीशन करती है। इक्विवेलेंस क्लासेस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी सेट है उसके ऊपर बेटा हमने एक रिलेशन आर लगा दी इस सेट ए के ऊपर। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो बेटा इस सेट की पार्टीशन कर देगी, जैसे मर्जी पार्टीशन कर सकती है, ठीक है ना। रिलेशन आर अगर इक्विवेलेंस है तो सेट के बेटा टुकड़े कर देती है। और यही पूछ रहा है, पार्टीशन द सेट जेड इंटू डैश पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट, कितने पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट में इसको ब्रेक करेगी, ये बताना है। तो चलो देखते हैं कि क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो रिलेशन को पकड़ो ना, तो रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए कोमा बी वो आपस में रिश्तेदार हैं, सच दैट 3 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को। और ए कोमा बी किस में से जा रहे हैं, ए कोमा बी जेड में से जा रहे हैं। अब बताना है कितने टुकड़े बने, टुकड़े बने बेटा देखो ध्यान से, जितने टुकड़े बनेंगे बेटा उतनी तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी ना, हमें नहीं पता कितने बन रहे हैं, उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी, ठीक है। इस रिलेशन में देखने कितने हमें इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कितनी है। सबसे पहले देखो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से, तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, मतलब जीरो के रिश्तेदार कौन से हैं, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में वो एक्स आएंगे सच दैट कि जीरो का रिश्तेदार होना चाहिए, मतलब वो आर में जाना चाहिए, जीरो एक्स आर में जाना चाहिए। तो ये है आपका जीरो एक्स यानी कि जीरो के रिश्तेदार। तो चलिए जीरो के साथ जो भी एक्स रिश्तेदार होगा तो बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को, यानी कि जीरो माइनस एक्स किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होकर कब आता है, जब कुछ इंटीजर आए, ठीक है ना, ठीक कहा। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी सिंप्लीफाई करने के बाद, माइनस एक्स इक्वल टू 3m और x इक्वल टू माइनस 3m। m क्या होता है, इंटीजर। यहाँ पर m की वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। तो वहीं पर हमें x की वैल्यू मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ जीरो की इक्विवेलेंस क्लास, जब m की वैल्यू बेटा जीरो डालेंगे तो एक जीरो ही आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब वन डालेंगे तो माइनस थ्री आएगा, फिर माइनस सिक्स आएगा एंड सो ऑन, ये सारे 3 के रिश्तेदार हैं। जब वन माइनस वन डालेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, 3, 6। देखो ना, जीरो में से अगर 3 माइनस करते हो तो प्लस 3 बन जाता, 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ठीक है ये सारे के सारे रिश्तेदार हैं जीरो के। और मैंने आपको ये बात भी बताई हुई थी, अगर दो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आ जाती है। अब जीरो के रिश्तेदार बेटा जीरो तो है ही, 3 भी है,
यानी कि 0 और 3 की इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी, 0 और 6 की भी सेम आएगी, ऐसा मिलता रहेगा ना हमें। जो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार होते हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आ जाती है। 0 को लिख दी बेटा, 0 के बाद क्या मिलेगा, 1। 1 की चेक करते हैं, 1 की चेक करते हैं। 1 की चेक करने के लिए हमें यहां पर 1 लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पर 1 के रिश्तेदार फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 1 के रिश्तेदार फाइंड आउट करने के लिए यानी कि 1 माइनस एक्स ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस एक्स इक्वल टू 3m माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस 3m प्लस 1, यहां से ये आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू वही 1 की इक्विवेलेंस क्लास, m की वैल्यू बेटा 0 डाल सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 रिश्तेदार होगा ना, इसको 0 डालोगे तो 1 का रिश्तेदार होगा, क्यों, 1 में से 1 माइनस करने के बाद 0 बचता है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, 1 के बाद 2, सॉरी 0 के बाद 1 डालेंगे ना, जैसे 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2, तो ये माइनस 2 बन जाएगा। फिर आपको माइनस 5 मिलेगा, चेक कर सकते हो, यहां से आपको 4 मिलेगा, यहां से 7 मिलेगा, ये देखो क्लियर है। यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये है, यानी कि 0 और 3 की सेम आ रही थी, 0 माइनस 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी, 1 और 4 की सेम आ रही है, 2 अभी तक नहीं मिला, 2 की निकाल कर देख लेते हैं। 2 की निकालने के लिए सेम काम बेटा, 2 की निकालने के लिए सेम काम चलता रहेगा, यानी कि 2 माइनस x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू m, कॉमन सेंस से 2 तो आएगा ना, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 तो आएगा, यहां पर 2 लिख देते हैं। 2 के बाद क्या डालोगे कि 3 से डिवाइड हो जाए, x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू 3m इक्वल टू 2 माइनस x, सो x की वैल्यू 2 माइनस 3, तो बेटा यहां से x की वैल्यू आपको मिलेंगी 2, 5, 8 एंड सो ऑन, और यहां पर आपकी आ जाएगी माइनस 1, माइनस 4 एंड सो ऑन, ये 2 की आ चुकी है। देखो 0 की मिलेगी, 2 की मिलेगी, 1 की मिलेगी, क्या 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे, नहीं सर नहीं निकालेंगे, क्यों निकालेंगे सर, जो 0 की आई वो 3 की आई। सर आपने एक रिजल्ट बताया था इक्विवेलेंस क्लासेस में, अगर आपने देखा तो सुन सकते हो, जाकर देख सकते हो कि जो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी। तो 0 का रिश्तेदार 3 है ना, 0 और 3 की तो सेम आएगी, ठीक, और 1 1 की और 4 की सेम आएगी, 2 2 की और 5 की सेम आएगी। मतलब इसके बाद देखो 2 के बाद 3 की चाहते थे ना, 3 यहां मिल गया, 3 की यही इक्विवेलेंस क्लास है, 4 4 की ये है, 5 की ये है, फिर 6 की चाहते हो, 6 की बेटा ये बन जाएगी, 7 की ये, 8 की ये, 9 की ये, तो मतलब इनके अलावा कोई भी आपको अलग से इक्विवेलेंस क्लास नहीं मिलेगी। तो टोटल इक्विवेलेंस क्लास बेटा यहां पर कितनी आई, 3 आई, मतलब सेट के 3 टुकड़े होंगे, 1 2 3, एक में ये आ जाएंगे, एक में ये, एक में ये, तो यहां पर आंसर 3 आएगा। अब एक नॉलेज के लिए बात लिख लो, क्योंकि बार बार इतना काम करना नहीं ना, अगर MCQ आ रहा है, अगर आपके पास इंटीजर है जेड, सॉरी सेट है जेड का, या नेचुरल नंबर का या होल नंबर का, याद रखना जेड का, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तीनों में से कोई भी सेट आ जाए, अगर कोई भी सेट आ जाए और यही रिलेशन हो डिवीजन वाली, देखो ध्यान से, सेट ए जो हो सकता है मे भी नेचुरल नंबर हो, मे भी इंटीजर और मे भी होल नंबर, ऐसा कुछ हो, ठीक है, आपने जो रिलेशन डिफाइन की वो यही डिफाइन की कि दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड तब हैं सच दैट कि ए माइनस बी किससे डिवाइड हो रहा है, एन से डिवाइड हो रहा है, एन कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो बेटा जितने से डिवाइड करेंगे ना, जितने से डिवाइड करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एन डिवाइड ए माइनस बी, जितने से डिवाइड करेंगे सेट के उतने ही टुकड़े होंगे। क्या बढ़िया रिजल्ट है सर, अगर यहां पर 4 लिखते हो तो 4 टुकड़े हो जाएंगे,
पांच लिखते हो तो पांच टुकड़े हो जाएंगे, छह लिखते हो छह टुकड़े हो जाएंगे, तीन लिखते हो तीन हो जाएंगे, दो लिखते हो दो हो जाएंगे, एक लिखते हो वन ही लिखोगे तो वो पूरा पूरा फ्रेश पीस ही बचा रहेगा, कोई टुकड़ा नहीं होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 30, एक सेट ए दिया हुआ जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, एक रिलेशन डिफाइन की गई है आर, उसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 1, 3 और बताया गया कि आर ट्रांसटिव है। हमने चेक करना है कि ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ट्रांसटिव चेक करनी है। ट्रांसटिव चेक करने के लिए बेटा आपको डेफिनेशन एक बार बता देते हैं कि कोई रिलेशन ट्रांसटिव तब होती है अगर अगर इसमें बेटा ए भी जा रहा है एंड बी सी जा रहा है आर के अंदर, ठीक है ना, देन आपका ए सी भी जाना चाहिए अगर ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव कब नहीं होती, अगर ये दोनों चले जाएं ए बी और बी सी बट ये ना जाए तब कहते हैं ट्रांसटिव नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही नहीं गए तो इसको तो चेक भी नहीं करना, तो फिर भी ट्रांसटिव बोलेंगे ट्रांसटिव है, ठीक। सो यहां पर देखो पेयर बनाओ बेटा ए बी, ये बी होता है ना, तो बी किसी और पेयर में दिखना चाहिए पहला लिमिट बनकर। क्या टू कहीं और दिख रहा है इसमें पहला लिमिट बनकर? नहीं दिख रहा, तो इसकी पेयर नहीं बनी किसी के साथ। दूसरा इसको देखो ए बी, अब बी ये है, क्या थ्री इसका फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है? ये इसका फर्स्ट बन रहा है ना, तभी तो एसी चेक करना था, नहीं बन रहा, तो इसमें ऐसी कोई पेयर ही नहीं बनी। एसी तब चेक करेंगे ना जब ये पेयर बनेगी, कंडीशन ये है। तो यहां पर हम इसको ट्रांसटिव बोल देंगे कि ट्रांसटिव रिलेशन है, तो ये आपकी ट्रू लिखी हुई कि ट्रांसटिव आपकी है। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ईजी हो चुका है, ठीक। जब पेयर, कंडीशन ये है कि अगर आप टेस्ट दोगे पहली कंडीशन, फिर टेस्ट में से कम नंबर आएंगे, ठीक, फिर मम्मी से डांट पड़ेगी। टेस्ट दोगे नंबर कम आएंगे फिर मम्मी से डांट पड़ेगी, टेस्ट नहीं दिया नंबर कम ही नहीं आए तो मम्मी से डांट कहां से पड़ जाएगी, लॉजिकली बात सोचो ना, ठीक है ना। तो वही काम इसका हो रहा है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक सेट ए दे दिया हमें ए बी सी, फिर उसने बेटा एक रिलेशन आर डिफाइन कर दी। आर रिलेशन में क्या क्या है, ए ए जा रहा है, बी सी जा रहा है और ए बी जा रहा है, वो क्या कहते हैं, देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड, कम से कम वो नंबर बताओ ऑर्डर्ड पेयर के या वो ऑर्डर्ड पेयर बताओ कि जो इसमें ऐड करने के बाद इसको रिफ्लेक्सिव बना दे एंड ट्रांसटिव बना दे। मतलब इसमें कौन कौन सी पेयर डालें कि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांसटिव बन जाए, चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। यहां से इसको लिख लेते हैं एक बार, सो ए कोमा ए, बी कोमा सी एंड ए कोमा बी, ये है। इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव बनानी है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या क्या ऐड करोगे, यहां पर ए ए तो जा रहा है ना, तो बी भी जाना चाहिए था, तो बी भी ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करोगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, सी सी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगी ना, ठीक है कर दिया। अब ट्रांसटिव चेक करना है, देख लेते हैं क्या पता ट्रांसटिव ऑलरेडी हो, ठीक है ना, ये तो मजबूरी थी ना। पेयर वालों को तो चेक भी नहीं करना ट्रांसटिव में, मैंने पहले कहा था पेयर वालों को तो चेक भी नहीं करना। इसको पकड़ो, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट और सेकंड थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड जाना चाहिए, यानी कि ए बी यहां पर ऑलरेडी ए बी है ना, तो सिंपल को समझो, ये फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जाना चाहिए अगर ऐसी पेयर मिल रही है, मतलब ये वाला एलिमेंट यहां पर मौजूद है तो इस पेयर को पकड़ते हैं, सेम ही वाले को छेड़ना भी नहीं। तो बी सी, क्या सी इसका फर्स्ट बन रहा है, इनके साथ ही नहीं देखना, इनको छोड़ो, देख लेंगे, चलो देख लेते हैं देख लेते हैं आपकी मान लेते हैं। बी सी कहोगे सर सी इसका बन रहा है, ठीक है ना, खत्म। बी सी तो वो ऑलरेडी खुद है, जा रहा है ना, ठीक है, तो इसके साथ तो नहीं बन रहा ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस एलिमेंट को पकड़ो, इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट बी है, इसका फर्स्ट बी है, तो ए सी जाना चाहिए था ना, तो ए सी जाना चाहिए। देखो फर्स्ट सेकंड जा रहा है, ये सेकंड यहां पर
सेकंड बनाओ ना, देखो सेकंड थर्ड जा रहा है तो वन थर्ड जाना चाहिए, यानी कि एसी जाना चाहिए। एसी नहीं जा रहा तो ट्रांसटिप बनानी है, तो एसी डाल देते हैं, एसी डाल दिया। जैसे एसी डाला, अब देखते हैं क्या पता कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से देखो, जैसे हमने एसी डाला तो बेटा इसके साथ इसने पेयर बना ली। कैसे बनाई? बी सी नहीं बनी, सॉरी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसकी इसके साथ नहीं बनी, इसकी इसके साथ नहीं बनी। सेकंड एलिमेंट देखो, फर्स्ट पढ़ा हुआ कहीं सी 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 नहीं, इसकी सी कहीं पढ़ा हुआ है सेकंड एलिमेंट नहीं, बी कहीं ये था इसकी हमने बना दी। तो ये हमारे बन जाती है ट्रांसटिप, मतलब हम ये पेयर ऐड करने पड़े। ध्यान से देख लो एक बार, फर्स्ट सबसे पहले हमने इसको रिफ्लेक्सिव बना दिया, वो सबसे इजी था। अब ट्रांसटिप में प्रॉब्लम आती है। ट्रांसटिप में क्या होता है कि आपको ए बी बी सी, ए बी जा रहा है बी सी जा रहा है तो ए सी जाना चाहिए, ठीक है यहाँ से। तो इसके साथ सी किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट देख लो बन रहा है नहीं बन रहा, ये बाद में डाला ना हमने, तो सी इसका तो बना नहीं, इसका बना, ये छोड़कर ये सीधा जाना चाहिए तो बी सी जाना चाहिए, वो जा रहा था, ठीक है। अब ए बी पकड़ा, ए बी और इसका देखना बेटा बी सी, तो ए सी जाना चाहिए था ना, डाल दिया ए सी चला गया। अब सी किसी और का फर्स्ट हो नहीं है, इसका है तो बेटा वो ए सी ऑलरेडी जा रहा है ना, ए सी ऑलरेडी जा रहा है, तो यहां से ये ट्रांसटिप बन गई। तो पेयर कौन कौन सी ऐड किया आपने? आपने बी बी ऐड की, सी सी ऐड की और ए सी, ये पेयर आपने ऐड की ताकि ट्रांसटिप बन जाए और रिफ्लेक्सिव बन जाए, ठीक है। इतने में कोई डाउट हो, डेफिनेशन में कोई दिक्कत है अगर ट्रांसटिप में, तो पीछे जाकर बेटा डिटेल से क्लियर करके आओ, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 22 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन के ऊपर क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर एन। ये रिलेशन दी हुई है, ठीक है, तीन रिलेशन दी हुई है, मतलब तीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि चेक करो कि इनमें से कौन सी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है। तो फटाफट चेक करते हैं, सबसे पहले बेटा पहले रिलेशन को पकड़ते हैं इसको। अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इस रिलेशन को देखो, उन्होंने मेन कंडीशन लिख दी, मतलब दो एलिमेंट तब रिलेट हो रहे हैं जब एक्स वाई से बड़ा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो बेटा ए कोमा ए जाना चाहिए ना रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमारा सेट नेचुरल नंबर का है। क्या ए ए इसके अंदर जा रहा है? अगर जाएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको डालकर देखना बेटा यहां पर, क्या ऐसा काम होता है? ए खुद से बढ़ाएगा, वन खुद से बड़ा होगा, टू खुद से बड़ा होगा, नहीं होगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो ए कोमा ए डजेंट बिलोंग्स टू आर, नहीं जा रहा। बेशक एक के लिए भी गड़बड़ हो जाए, यहां तो चलो किसी के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वैसे याद रखना अगर किसी एक के लिए भी गड़बड़ हो जाए फिर भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव आपकी नहीं है। अब बात बारी आती है किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में ध्यान से देखो, खुद आपको पता है कि अगर ए बी चला गया तो बी ए जाना चाहिए, अगर ए बी चला गया तो बी ए जाना चाहिए। ध्यान से देखो, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी चला गया तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा। चेक क्या करना है, रिक्वायर टू चेक कि बी, एक मिनट बेटा, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि बी ए से बड़ा होना चाहिए। आप खुद पता है कि इसको शो करने के लिए ना हम इस हर बार इसका यूज करते थे, इसको शो करना है तो इसका यूज करते थे। कैसा हो सकता है, एक नंबर बी से बड़ा है और वो नंबर आपका, अगर देखो ध्यान से, अगर ए बी से बड़ा है तो कैसा हो सकता है कि बी ए से बड़ा हो, पॉसिबल नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए टू ग्रेटर देन वन, इसके अंदर वो नंबर जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो टू ग्रेटर देन वन ये चला गया ना, क्या वन ग्रेटर देन
टू होगा। ए भी चला गया ना, ए और बी, क्या बी ए जाएगा? नहीं जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? ठीक है ना, तो ये आपकी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बारी आती है ट्रांसटिव की, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव की बारी आती है। ट्रांसटिव में बेटा क्या होता है, अगर लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये चले गए, चेक करना है क्या ए सी जा रहा है, ए सी ए सी को, अगर ए बी जाएगा तो बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, अगर बी सी जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा बी ग्रेटर देन सी। रिक्वायर्ड टू चेक क्या है, रिक्वायर्ड टू चेक मतलब ए सी बिलोंग्स टू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो यानी कि ए किससे बड़ा होना चाहिए, सी से, इन दोनों का यूज करके क्या कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर हाँ ए सी से बड़ा, देखो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो यहां से दिख रहा है कि ए सी से बड़ा होगा, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा ना, होगा। थ्री टू से बड़ा है, टू वन से बड़ा है तो थ्री वन से भी तो बड़ा होगा, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो ट्रांसटिव है। तो ऐसा लिख सकते हैं, सो ए ग्रेटर देन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा हमें मिल जाएगा, हर बार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ट्रांसटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आई थिंक आप खुद चेक कर सकते हो कि ये रिलेशन दी हुई है, सिमेट्रिक नहीं है, दिख रहा है सिमेट्रिक नहीं, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा ए ए जाना चाहिए, ए ए मतलब नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं ध्यान से देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, सभी पेयर जाने चाहिए ना, वन वन जाना चाहिए, टू टू जाना चाहिए, थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सारे जाने चाहिए, तो रिलेशन क्या है ये वाली, तो क्या वन वन जा रहा है, महापाप, क्या टू टू जा रहा है, महापाप, जो जाएगा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, थ्री थ्री जा रहा है, नहीं, बस फाइव फाइव ही तो जा रहा है और कोई जा ही नहीं रहा। सर दूसरे तरीके से कराओ, ऐसे मत कराओ, ठीक है दूसरे तरीके से कर लेते हैं बेटा, ए ए लिख लेते हैं, ए ए जब ए ए जाएगा तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, टू ए इक्वल टू टेन, सो ए इक्वल टू फाइव आया, ध्यान से बेटा सिर्फ एक ऐसा फाइव नंबर ही आएगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा, हमें तो बेटा सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होनी चाहिए थी ना, सभी नेचुरल, तो नहीं हो रही, ए को थ्री थोड़ी रख सकते हैं, ए को फाइव थोड़ी रख सकते हैं, सॉरी फाइव रख सकते हैं, ए को सिक्स थोड़ी रख सकते हैं, तो गड़बड़ होगी ना, तो सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात थी सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में इनको आगे पीछे करके देख लिया करो, आगे पीछे करके, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए ऐसे देखो कि अगर a प्लस ए कोमा बी जा रहा है तो a प्लस बी टेन आएगा ना, a प्लस बी टेन आएगा, अगर a भी जा रहा है तो b a भी जाना चाहिए, a की जगह b लिखो, b की जगह a लिखो, क्या ये होता है, होगा ऑफ कोर्स होगा, a प्लस बी जब टेन आ रहा है तो b प्लस a भी तो टेन ही आएगा ना, ये तो सिंपल मैथ है, तो यानी कि b कोमा a भी चला गया r के अंदर, तो ये हो गया। अब बारी आती है ट्रांसटिव की, ट्रांसटिव चेक करते हैं, सिमेट्रिक हो गया ये, ट्रांसटिव चेक करने के लिए, ओके ट्रांसटिव चेक करने के लिए हमें ए बी आर में लेते हैं और बी सी आर में लेते हैं और इनके अलावा ए सी जाना चाहिए, ये रिक्वायर्ड टू चेक में आ जाता है। ठीक है, अगर ए बी बेटा गए तो a प्लस बी टेन आना चाहिए, अगर b प्लस गए
तो बी प्लस सी टेन आना चाहिए। तो ये चेक करना है, मतलब ए प्लस सी टेन आ रहा है कि नहीं आ रहा, गारंटी शुदा है या नहीं है। सो इन दोनों की हेल्प से हम वो करते हैं, सो इन दोनों को कर देते हैं ऐड। जैसी ऐड करोगे ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू 20, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से 2b को उधर लेके a प्लस सी इक्वल टू 20 माइनस 2b, क्या गारंटी आ रही है कि आपका ये 10 आएगा? क्या इसके 10 आने की कोई गारंटी है? नहीं है। 10 b के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि b की वैल्यू कितनी है, 100% तो नहीं आया, तो ये डिपेंड b के ऊपर कर रहा है, तो 100% कोई गारंटी नहीं है, तो ट्रांसटिव नहीं है। मतलब एक आधी ऐसी गड़बड़ वाली पेयर मिल जाएगी जिसमें गड़बड़ होने के चांस आपको मिलेंगे मिलेंगे। सर कोई एग्जांपल दे दो, सर कोई एग्जांपल दे दो, ऐसा हो सकता है बेटा 3 प्लस 7 कितना आता है 10, और 7 प्लस 3 कितना आएगा? सर 10 आएगा। देखो ना, ये a है और ये b है, 10 आ रहा है, ये b है और ये c है, 10 आ रहा है। तो बेटा ac करना, क्या 10 आएगा? 6 इक्वल टू 10, महापाप, तो ये ट्रांसटिव नहीं है। तो आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। सो करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कमर तैयार, लैंग्वेज समझो। एक्स डॉट वाई इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का स्क्वेयर होना चाहिए, इंटीजर का स्क्वेयर करेंगे, कोई भी इंटीजर लेते हैं उसका स्क्वेयर करेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? x डॉट y, यानी कि अगर मैं बोथ साइड अंडर रूट लेता हूं तो यहां से क्या मिलना चाहिए? अंडर रूट x डॉट y, बोथ साइड दिया ना, सो इक्वल टू m, या प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चेक करना है क्या ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट करो और अंडर रूट लो और एक इंटीजर बनना चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर होना चाहिए। सो ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, या ऐसे ले लो कि आपका यहाँ से प्लस माइनस आना चाहिए, या फिर यहाँ पर ना लिख कर बेटा यहाँ पर लिख लो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चलो जी, सबसे पहले चेक करनी है कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्स है या नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि m इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है। चलो जी, सो अब क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, ऐसे वाले नंबर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा आपका a कोमा a जाना चाहिए r, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो डाल देते हैं बेटा ए ए, ए ए तो ए स्क्वायर बन जाएगा, इसको कैंसिल आउट करते तो बेटा रूट एक्स आ जाता है, सॉरी रूट ए आ जाएगा, सॉरी मोड ए आएगा, मोड ए आएगा। अगर मोड ए आ रहा है, ए क्या है आपका? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मोड लोगे और आगे प्लस माइनस लगा रहे हो तो क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर है, मान लो 3 डाला, 3 का मोड, ठीक है, आगे प्लस माइनस इंटीजर ही रहेगा ना। इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हैं, उनके नेगेटिव भी आ जाते हैं और साथ में जीरो भी आ जाती है, तो ठीक है ना, ये आपका एक इंटीजर ही तो निकल कर आ रहा है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है आपकी। अरे यहाँ पर डाल कर देखो ना, नेचुरल नंबर इंटीजर ही तो मिलेगा आपको, प्लस माइनस आगे लगा दिया, ठीक है जी। अगर को सर जीरो, मतलब ये नहीं कि सारे इंटीजर मिलेंगे, जो भी आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए, जो भी आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि सारे इंटीजर आने चाहिए, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि आपने कोई मैरिज अरेंज की या कोई प्रोग्राम अरेंज किया, ठीक है ना, आपने इनवाइट किया, आपकी कंडीशन ये है कि आपने बिल्कुल खुला इनविटेशन दे दिया पूरे शहर को,
बस कंडीशन ये है कि जो भी आएगा उसको डांस आना चाहिए, ठीक है। आपके पार्ट में 10-15 बंदे आए, सबको डांस आ रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि शहर में जितने भी डांस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपकी शादी में आए, ठीक है ना। सो ये होता है कि जो आएगा उसको डांस आना चाहिए, ये नहीं कि जिनको डांस आता वो सभी के सभी आपकी शादी में आ जाए, तो वो बात नहीं होती, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रिफ्लेक्सिव आपकी हो चुकी है, ठीक है। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव हो चुकी है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए बेटा आपने जस्ट रिप्लेस करके देखना है। अगर आपका ए कोमा बी आर में चला गया तो बेटा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये तो ऑलरेडी हो जाएगी ना, ये दी होती है, नहीं बेटा इसकी हेल्प से लिखनी होती है। ए बी को रिप्लेस करके देखो, इसको रिप्लेस करने से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो मिला। चाहिए क्या है, चाहिए क्या है, बी ए भी जाना चाहिए, बी ए। तो बेटा यहां पर बी ए कब जाता है, जब ये हो, देखो ना एक्स वाई कब जा रहा है, जब एक्स वाई, तो बी ए कब जाएगा, जब बी ए। ये बेटा यहां से मिल गया इसके हेल्प से, तो मतलब कह सकते हैं कि b कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपका ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, ओके। सो लास्ट पार्ट का हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक कर चुके हैं, अब बारे थी ट्रांसटिव की। ट्रांसटिव चेक करने के लिए हम लेते हैं कि लेट a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू आर। अगर ये चले जाते हैं तो होता क्या है, ए बी इक्वल टू एन स्क्वेयर और बी सी इक्वल टू एम स्क्वेयर, क्योंकि कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आप बोथ साइड अंडर रूट ले सकते हो, इक्वल टू एन आएगा, यहां से इक्वल टू एम आएगा। अब ध्यान से देखो, जो प्लस माइनस आएगा वो तो ठीक है, प्लस माइनस आएगा वो तो ठीक है, ओके। यहां से अब देखो कि इस पावर को मैं लिख सकता हूं 1/2, इस पावर को लिख सकता हूं 1/2। ये इंटीजर जब आए होंगे, कब आए होंगे बेटा, अगर ये अंदर पावर जाने के बाद कैंसिल होगी होगी, मतलब जो ए है, ए का जो भी नंबर होगा उसकी पावर 2 से ज्यादा होगी ना। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ए को 2 लेता हूं और इसको 3 लेता हूं बी को, तो इसका अंडर रूट लेता हूं, यहां पर कोई इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर आने के लिए जब इसको मैं 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 लिखूंगा, तो ऐसे तो इरेशनल बन जाएगा ना, हमें चाहिए एक नेचुरल नंबर। तो ये पावर खत्म होनी चाहिए, मतलब इसकी पावर जो है वो कम से कम 2 तो होनी चाहिए ना जो इससे कट जाए, इसकी पावर कम से कम 2 तो होनी चाहिए ना जो इससे कट जाए, कम से कम 2, 3 नहीं चलेगी, 4 चलेगी, 5 नहीं चलेगी, 6 चलेगी, स्क्वेयर वाला काम चलेगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a को क्या लिख सकता हूं, p की स्क्वेयर, कम से कम लिख मैंने 4 भी आ सकती है, और 2n लिख सकते हैं ना, तभी तो कटेगा सर, n नहीं लिख सकते, चलो मैंने कम से कम 2 लिख दिया, और b की पावर इसको लिख दिया, q की पावर 2, ऐसे लिख देते हैं बेटा s, चलो ऐसे लिख, और यहां पर b को लिख दिया q की पावर 2 और c को लिख दिया हमने r की पावर 2, मतलब ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर कम से कम 2 होगी। अब देखो आपने ac ढूंढना है कि ac जा रहा है कि नहीं जा रहा, ac, तो ac बेटा क्या बनेगा, p की पावर 2 और r की पावर 2, कम से कम है ये, यानी कि pr, pr क्या है, नेचुरल नंबर तो है, उनका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। देखो पावर 4 भी आ सकती है, पावर 6 भी आ सकती है, अगर 4 6 आएगी तो बाकी को अंदर रख लेंगे और उसको बाहर ले जाएंगे, 2 को बाहर ले जाएंगे, तो ये एक नेचुरल नंबर है, ये उसका स्क्वायर बन रहा है। तो AC लिखा जा रहा है कैसे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर AC इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, तो इंटीजर, तो हमारा AC भी क्या चला गया, a कोमा c बिलोंग्स टू r, तो हमारा बेटा ये भी हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो ये रिलेशन आपकी कैसी है, ट्रांसटिव है, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, कम से कम पावर 2 तो चाहिए, 3 नहीं चलेगी,
चार चलेगी, पांच नहीं चलेगी, छह चलेगी, ठीक है ना। अगर सिक्स चलेगी तो आप सर इसको फिर ऐसे लिखेंगे, अंदर थ्री रख लेंगे और बाहर क्या लिख लेंगे, टू। स्क्वायर तो फिर भी बन जाएगा ना, अरे बात समझ में, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। ओके चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक सेट आपके पास ए है, उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक एलिमेंट हैं। ओके एंड आर बी ए रिलेशन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है आर एक रिलेशन है किसके ऊपर बेटा, ए क्रॉस ए के ऊपर दे दी उन्होंने। इस बार रिलेशन बेटा आर एक सिंगल सेट ए पर नहीं दी, किसके ऊपर दे दी, ए क्रॉस ए पर दे दी, ठीक है। डिफाइंड बाय, देखो अगर ए पर देते तो ए के एलिमेंट के साथ रिश्तेदारी होती, इसका एक एलिमेंट ए, इसका एक बी, वही तो आपस में रिश्तेदार होते। अब क्या कह रहा है, स्पिन दी ए क्रॉस ए पर दी हुई है, तो अब ए क्रॉस ए के रिश्तेदार होंगे ए क्रॉस ए के साथ, यानी कि यहां से एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ेंगे ए बी, और यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ेंगे बी सॉरी सी डी, कोई भी पकड़ लेंगे दो। तो अब बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिश्तेदारी में है, ना कि सिंगल एलिमेंट, बात आ रही है समझ में। सो कह रहा है डिफाइंड बाय दिस, ये ऑर्डर्ड पेयर रिश्तेदारी निभा रही है बेटा इनके साथ, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन दी हुई है बेटा। ये ऑर्डर्ड पेयर किस में से जा रही है बेटा, ए क्रॉस ए में से जाएंगे। प्रूव दैट आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, और बेटा हमने इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है 2.5 की। सो ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा सा, बार बच्चे शाम का टाइम है खेल रहे हैं, ठीक है ना, आपको हल्की फुल्की आवाज आ सकती है, तो साथ में उसका भी आनंद मानना और साथ में क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव चेक करनी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो पिछली बार क्या लेते थे, ए ए लेते थे, देखो ध्यान से, ए ए लेते थे, मतलब हम पिछली बार ये लेते थे एक एलिमेंट यहां एक एलिमेंट यहां, अगर यहां पर ए लिया यहां पर भी ए लिया पिछली बार। इस बार क्या है, यहां पर बेटा एक एलिमेंट नहीं आएगा, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगी, ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगी, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगी, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे सर, देखो यहां पर अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूं ए कोमा बी, फिर कोमा यहां पर भी क्या लिखूंगा, ए कोमा बी, सेम सेम है ना। देखो पिछली बार क्या था सर, ए ए था, ए एक बेटा स्माइली स्माइली समझो, ये स्माइली जो भी इसके इक्वल होनी चाहिए थी, ए ए चेक करते थे। इस बार बेटा जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो वो क्या हुआ कि एक ऑर्डर्ड पेयर यहां लेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर यहां लेंगे। देखो ये वाला सेट ए से आता था ना, यस और नो, यस सर, तो ये वाले कहां से आ रहे हैं बेटा, ए क्रॉस ए में से, देखो ये, तो यहां पर ये ए बी और ये भी ए बी सेम। सर यहां पर ए ए ए ए ले ले, जरूरी थोड़ा है, मेन पर्पज है कि ये वाली इसके सेम होनी चाहिए, तो यहां पर इसके अंदर ए बी भी तो आ सकता है ना, समझे, ओके आई थिंक समझ गए होंगे, यहां पर भी ए बी। तो अब सिमेट्रिक के लिए हमने सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या चेक करना है, ए बी और ए बी ये जाने चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर ये जाने चाहिए। ये कब जाते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके गिवन कंडीशन को, तो चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, बट इसके अंदर डालना, देखो ये रिलेशन कैसी है, इसको पकड़ती है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसके लास्ट में ऐड कर देती है, ओके फर्स्ट पकड़ो लास्ट में ऐड करो, इक्वल आना चाहिए सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का एडिशन, फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन, फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन, देखो फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस बी इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का बी प्लस ए। क्या ये हर बार होगा सर, मजाक करते हो क्या, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बेटा ये तो हर बार ट्रू हो चुका है ना, ये हर बार ट्रू है। देखो हमने क्या चेक किया, ये देखो ये ट्रू है, मतलब ये पेयर इसको सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, चाहे जो भी पेयर ले आओ बेटा सेम वाली चली जाएंगी। सो
जो रिलेशन आर है, आर क्या है बेटा आपकी रिफ्लेक्सिव हो चुकी है बड़े प्यार से, समझ में आया। ओके, अब बात आती सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में ध्यान से देखो, ये सेम सेम ली थी, ठीक है सर, सेम सेम ली थी। अब बारी आती सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में सर हम वहां पर लेते थे ए कोमा बी, ये अगर चला जाता था तो बी ए को चेक करते थे। यहां पर बेटा ए की जगह क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर, तो बेटा मैं ए कोमा बी वो लिख लेता हूं ऑर्डर्ड पेयर, और सेकंड एलिमेंट की जगह बेटा एक नई ऑर्डर्ड पेयर, नई ऑर्डर्ड पेयर क्या ले सकते हैं सी कोमा डी, ठीक है। अगर ये जा रही है लेट बेटा ये रिलेशन में चलेगी, ये रिलेशन में चलेगी, अगर ये जा रही है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन कौन सी लिखी हुई है, फर्स्ट की लास्ट के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ, ये है, ये ट्रू है। चेक क्या करना है, चेक करना है क्या इसका उल्टा जा रहा है, इसका उल्टा, रिक्वायर टू चेक, तो यहां पर लिख देते हैं रिक्वायर टू चेक। रिक्वायर टू चेक में क्या आना चाहिए, सी कोमा डी और ए कोमा बी, बेटा ऑर्डर्ड पेयर की पलटी मार दी, बिलोंग्स टू आर, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, अगर ये जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका रूल क्या है, फर्स्ट में लास्ट जोड़ो और इक्वल टू सेकंड में थर्ड, वो होना चाहिए था। क्या ये चीज इससे बन सकती है, ध्यान से देखो ना, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ए प्लस डी, तो इसी से बन सकती है ना। इसको बेटा मैं वैसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे पकड़ो, इसकी इसका यूज करना होता है बेटा, देखो इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी और इसको लिख सकते हैं डी प्लस ए, यस और नो, ठीक है। यहाँ पर बेटा बाउंड्री लगा देते हैं ताकि कैमरे से बाहर ना चले जाएं, ठीक है, ओके। सो ये हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सी कोमा डी और ए कोमा बी ये पेयर बेटा किस में जा रही है, रिलेशन में, देखो ये चलेगी, इसकी उल्टी कर दी तो वो भी जा रही है, हमने इसका यूज करना है तो चलेगी, तो बेटा ये कैसी बन गई, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बन गई, ओके ये ठीक है, चलो सिमेट्रिक बन गई। अब बात की रिफ्लेक्सिव की, क्वेश्चन अच्छा है, रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांसटिव की बात है, ट्रांसटिव, ट्रांसटिव में क्या करना होता है सर, तीन लेनी पड़ेगी ना, तीन लेनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, तीन लेते हैं। सबसे पहले बेटा लेते हैं ए बी सी डी, बेटा यहां पर ये कैप, इस सारे को ए मानो, इस सारे को बी मानो, माइंड में बी मानो, ए और ये बी। फिर सर दूसरी पेयर लेते थे बी, मतलब ये वाली, इसके साथ एक सी लेते थे, सी बेटा क्या लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं ना, इसको आप कैपिटल ए मान लो ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल सी, ए बी बी सी चलेगी, मान लेते हैं जा रही है। अगर बेटा ये जाएंगी तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बेटा ये जा रही है ना तो क्या करेगी, ए प्लस डी, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, सेकंड थर्ड का, ये इक्वल है ट्रू है। दूसरा बेटा यहां से फर्स्ट और लास्ट इक्वल टू सेकंड और थर्ड, ये भी हो रहा है, ये तो ट्रू है। रिक्वायर्ड टू चेक क्या है, रिक्वायर्ड टू चेक बेटा, रिक्वायर्ड टू चेक ए और सी जानी चाहिए, मतलब ये वाली पेयर, ए बी की पेयर और ई एफ की पेयर आर में जानी चाहिए। अगर ये जाएगी तो होना क्या चाहिए सर, इस रूल को फॉलो करेगी, तो फर्स्ट और सर लास्ट का एडिशन सेकंड और थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो मतलब ये चीज हमने प्रूफ कर दी अगर, तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं, ठीक है। इनका यूज करके क्या वो शो कर सकते हैं, ए प्लस एफ, तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, देखो इसमें ये वाला ऐड कर दो, इसमें ये वाला ऐड कर दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो नीचे इसके C प्लस एफ और D प्लस ई, इसको यहां से हटा दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, A प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो बेटा D तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो चुका है, और क्या कैंसिल आउट होगा,
सी कैंसल आउट होगा, तो क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, क्या ये आ गया? हाँ जी सर आ गया, इनकी हेल्प से वो आ गया, आ गया। सो कह सकते हैं, सो कह सकते हैं बेटा वो चला गया, मतलब ए कोमा बी और ई कोमा एफ की ऑर्डर पे किस में चलेगी, आर में। तो ये ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों हैं, हेंस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप ये लाइन लिख देना, यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक, ओके जी। इतना काम तो खुद भी कर सकते हो ना, हाँ जी सर कर सकते हैं, बहुत अच्छे। लास्ट बेटा इसका पार्ट है कि सर 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 ये टू और फाइव सर ये हमें इसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, टू और फाइव की, ठीक है, टू और फाइव की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। चलो करके देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। टू और फाइव के रिश्तेदार, टू और फाइव के रिश्तेदार, मतलब वो आपकी ऑर्डर्ड पेयर मैं एक्स कोमा वाई कह सकता हूं, सच दैट जो बेटा किसके रिश्तेदार हैं, टू फाइव की रिश्तेदार हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर आपकी हमने निकालनी है जो रिश्तेदार है। अगर बेटा ये आपसे में रिश्तेदार हैं ये वाला इसके साथ, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, रिलेशन में तो उसी में जा रहे हैं ना, तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वल होने चाहिए। यानी कि मैंने ये सारी पेयर निकालनी है, तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस थ्री। अब x की वैल्यू बेटा मैंने यहां से लेनी है, x की वैल्यू यहां से लेनी है, और y की वैल्यू भी यहीं पर आनी चाहिए, कॉमन सी बात है ना, x और y दोनों यहीं में से तो आने चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, अगर सर y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर माइनस टू आएगी, जो यहां पर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कहीं ऐसे टूट पड़ो। तो अगर इसकी y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं तो माइनस 1 आएगा, वो भी अलाउड नहीं है। क्या 3 ले सकते हैं, 3 लोगों तो बेटा 0 आएगा, वो भी अलाउड नहीं है। क्या बेटा y की वैल्यू 4 ले सकते हैं, y की वैल्यू 4 ले सकते हैं, अगर y की वैल्यू 4 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये पेयर आपस में इसी में से आ रही है ना, ओके। अगर y की वैल्यू 5 लोगे तो x की वैल्यू 5 लोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 रखो ना, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर 6 रखोगे 3 आ जाएगी, 7 रखोगे 4 आ जाएगी, अरे रखते रहो ना, 8 रखोगे 5 आ जाएगी, 9 रखोगे 6 आ जाएगी, 10 रखोगे, सर 10 नहीं रख सकते, यहां देखो यहां 10 नहीं रख सकते, ठीक है, मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में इसके रिश्तेदार बेटा यही आए, इसके रिश्तेदार यही आए। और मैंने एक कंसेप्ट और बताया था, उसको रिवाइज कर सकते हो, जो इसके रिश्तेदार हैं, जैसे ये इसका रिश्तेदार है, इसकी और इसकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी, इसकी निकाल दी तो बेटा इसकी भी यही आएगी। अगर एग्जाम में 1 और कोमा 4 की पूछ लेता इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार निकल आए ना, तो दोनों की सेम आएगी, दोनों की सेम आएगी, जो ऊपर लिखी हुई है बेटा वो ही लिख सकते हैं। कितनी काम की बात है ना, छोटी सी बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है बेटा, ये वाली इन सभी की इक्विवेलेंस क्लास बेटा यही आएगी जो जो इसमें आ रहे हैं, ओके ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट दिस, सेट ए है बेटा इसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट हैं, इसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन मैक्सिमम कितनी बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है 5। सो चेक करते हैं कितनी बना सकते हैं, तो बनाने की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, कैसे आंसर आएगा। तो बेटा पहली रिलेशन मैं R1 कह देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने ऑलरेडी बात की है, सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती है, सबसे स्मॉल इक्विवेलेंस रिलेशन सेट के ऊपर बेटा आइडेंटिटी रिलेशन,
ये तो रिजल्ट क्या हुआ ना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सबसे छुटकी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ये आई। बात क्लियर है? ओके सर क्लियर है। अरे चेक कर लो ना, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, ये ऑलरेडी काम किया हुआ है। सो एक तो बेटा ये बन गई, इसके बाद बेटा, इसके बाद छोटी तो यही है ना, इसके बाद बेटा कम से कम ये एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव बनानी है। इनके अलावा भी कुछ डालने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा इसके अलावा मैंने 1 3 डाल दिया, एक एलिमेंट डाल दिया। रिफ्लेक्सिव तो है, क्या सिमेट्रिक है? सर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर? 1 3 डाला आपने तो 3 1 भी तो डालना पड़ेगा ना सर। अब सिमेट्रिक बन गई, अब सिमेट्रिक तो बन गई, ट्रांसटिव तो चेक करो ट्रांसटिव है या नहीं। ट्रांसटिव चेक कर सर, इनको तो छेड़ना भी नहीं है, इनको देखना है 1 3 ठीक है। मतलब ए बी और बी सी जा रहा है तो ए सी भी जाना चाहिए 1 1 ऑलरेडी है। फिर सर 3 1 ये बी बन गया ना, ये ए बी और ये बी ये सी, 1 3 1 और 1 3 जा रहा है तो 1 1 भी जाना चाहिए ना। ऐसे नहीं सर, सॉरी 3 1 जा रहा है 1 3 ऐसे लिखो, 3 1 जा रहा है 1 3 जा, तो 3 3 भी जाना चाहिए ना, तो जा रहा है, मतलब ये ट्रांसटिव भी है। तो एक रिलेशन बेटा ये बन गई इक्विवेलेंस रिलेशन। अब और बनाते हैं, कितनी बना सकते हो अलग अलग, ठीक है ना। अब देखो ये तो रहेंगी रहेंगी ना, ये तो रहेंगी रहेंगी, इनके अलावा इसको पकड़ा था, इसके अलावा क्या डाल सकते हैं? इसके अलावा हम, इसके अलावा 1 2 डाल सकते हैं। 1 2 डालेंगे सर, 1 2 डाल दिया लेकिन सिमेट्रिक खराब हो गई तो 2 1 डालना पड़ेगा। क्या सर ये आपकी बन गई? मैंने एक एलिमेंट डालकर देखा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव चेक करना है। सर ये तो ठीक रहते हैं, 1 2 2 1 तो 1 1 जाना चाहिए, जा रहा है। ओके सर देखो इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट 2 है, यानी कि इसको ऐसे ले सकते हैं ए बी और बी सी, तो ए सी जाना चाहिए 2 2 जा रहा है, मतलब ये भी क्या है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इतना ठीक। अब आर फोर निकालते हैं, आर फोर इनके अलावा कोई रिलेशन ढूंढोगे ना, इनके अलावा, इनके अलावा बेटा हमने ये ढूंढ ली। देखो 1 3 ऐड करके देख लिया 3 1 आ गया, 1 2 करके देख लिया ओके, तो और 3 2 आ सकते हैं ना, 1 2 1 3 डालकर देख ले, 2 3 डालकर देख लेते हैं 2 3, तो बेटा सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा ना, मजबूरी है। चेक करो इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव चेक करना है। ट्रांसटिव, ट्रांसटिव कैसे करते हैं? ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो बेटा 2 2 जाना चाहिए, जा रहा है। अब देखो इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट बन रहा है, तो मतलब ये बन जाएगा 3 2 जा रहा है और 2 3 जा रहा है, 3 3 जाना चाहिए, जा रहा है सर, तो मतलब एक रिलेशन ये बन गई। अब एक और, एक और का मतलब क्या है, इनसे अलग होनी चाहिए ना। देखो इनके अलग मैं क्या डाल सकता हूं, 1 1 2 2 3 3, क्या एलिमेंट डालोगे इनके अलावा, सोचो खुद। अगर आपने 3 2 डाल दिया, 3 2 तो 2 3 डालना पड़ेगा। ये तो सर यही बन गई, इसके अलावा तो कोई बनी नहीं। चलो इसके अलावा बनाकर देख लेते हैं, इसके अलावा एक एलिमेंट और डाल दो, 1 2 डाल दिया, ऐसे तो हो सकता है। सिमेट्रिक बनाने के लिए बेटा 2 1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है, सिमेट्रिक तो बन गई, रिफ्लेक्ट ट्रांसटिव चेक करना, यहां तक ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट किसका फर्स्ट बन रहा है? इसका बन रहा है, तो ए बी बी सी, तो ए सी 3 3 जा रहा है, किसी और का बन रहा है? इसका बन रहा है बेटा, ए बी और बी सी, इसके साथ भी तो पेयर चेक करेंगे ना, ए बी और बी सी, तो ए सी जाना चाहिए, 3 1 जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा, तो 3 1 डालना पड़ेगा। अब 3 1 आया सर, सिमेट्रिक खराब हो गई इसकी, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 3 डालना पड़ेगा। और कुछ बचा सर? मतलब बचने का मतलब कि बेटा ए के ऊपर सबसे बड़ी यूनिवर्सल रिलेशन जो थी वो ए क्रॉस ए की थी, यस और नो, यूनिवर्सल रिलेशन।
इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? अगर इसमें तीन हैं तो इसमें नाइन एलिमेंट आएंगे, नाइन तो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इनके अलावा इनको छोड़कर जो भी और लेते हैं बेटा वो यूनिवर्सल बन जाते हैं, बीच में कोई और रिलेशन नहीं आती, बीच में और कोई रिलेशन नहीं आती। तो 1 2 3 4 5, तो इस सेट के ऊपर 5 रिलेशन बनती है जो इक्विवेलेंस है बेटा, ये याद रखना, बार बार करके थोड़ी देखोगे। तो 5 आती है, आपके ये एलिमेंट 3 हैं अगर सेट में तो इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आती है, ठीक है। अगर कोई अलग से काम करता है तो वो बात अलग है, क्वेश्चन अगर सेम लिखा हुआ तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है एक रिलेशन R दी हुई है सेट इसके ऊपर, बी डिफाइंड बाय R, ये पूछिए कि ये क्या है, मतलब ऑप्शन हम लिख सकते हैं ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, डी नन ऑफ दिस, कौन सी है ये। तो बेटा हमने जब डिस्कस कर रहे थे हम थ्योरी को तब बेटा मैंने ये बताया था कि ट्रांसटिव है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखो ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी जा रहा है और बी सी, अगर ये जा रहा है, अगर ये जा रहा है तो देखो ध्यान से ऐसे लिखते हैं, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो रहा है then या implies लिख लो बेटा, क्या बात है, लैंग्वेज की बात है, implies AC belongs to R, अगर ये जा रहे हैं और इसके बाद बेटा ये भी जा रहा है तो ट्रांसटिव है, ठीक है। लेकिन अगर ये जा रहे हैं और ये नहीं जा रहा तो ट्रांसटिव नहीं है, अगर ये जा रहे हैं ये नहीं जा रहा तो ट्रांसटिव नहीं है। इसके अलावा जो भी केस बने ट्रांसटिव होगा, ट्रांसटिव ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये दोनों चले जाएं पर ये ना जाए, अगर ऐसी पेयर ही नहीं मिली तो बेटा ट्रांसटिव ही बोलेंगे, इसका जाना ना जाना चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पर पेयर बनाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट तो चाहिए थे ना, 2 की पेयर बननी थी, तो ये सिंगल मर गया, सिंगल मर गया तो बच्चे कहां से होंगे, नहीं होंगे ना, ठीक है। सो ये आपका ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सर 1 2 जा रहा है 2 1 नहीं जा रहा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, सर 1 1 जाना चाहिए, 2 2 जाना चाहिए, 3 3 जाना चाहिए, सो ठीक है ट्रांसटिव है, ओके ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर रिलेशन है ऑन सेट आर, अगर बेटा ये सेट कौन सा है, रियल नंबर वाला, ये याद रखना रियल नंबर वाला, हैज 2 आपस में तब रिश्तेदार हैं जब ए बी से बड़ा होगा, देन आर इज, आर क्या क्या है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सी क्या है, सिमेट्रिक ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांसटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। तो सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ऑप्शन टाइप है, थ्योरी करने की जरूरत नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कह रहा है रियल नंबर में ए ए जाने चाहिए, ए ए इस कंडीशन को ए ए सेटिस्फाई करने चाहिए, ए ए मतलब ए कोमा ए जाने चाहिए आर के अंदर, ए कोमा ए कब जाएंगे, जब उसको फुलफिल करेंगे। क्या कोई नंबर खुद से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है, चाहे जो मर्जी दुनिया का नंबर ले लो इक्वल टू वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, इन्होंने नॉट रिफ्लेक्सिव बोला हुआ है, ये भी गलत है, इन्होंने नॉट रिफ्लेक्सिव बोला हुआ है, मतलब ये गलत हो चुके हैं। अब हम क्या चेक करते हैं, हम ना सिमेट्रिक चेक करते हैं, हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर सिमेट्रिक होगी तो पक्का ये ऑप्शन आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी गलत है ना, सिमेट्रिक चेक करने से अगर ये हुई सिमेट्रिक तो ये आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करने के बाद क्या होगा जी कि सिमेट्रिक में लेट ए बी बेटा चले गए आर के अंदर, अगर ए बी रिलेशन में जा रहे हैं तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी आएगा। रिक्वायर्ड टू चेक हम क्या करते हैं,
कि बी ए जाना चाहिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ए जाना चाहिए तो ये होना चाहिए, सॉरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर बेटा देखो क्या इस स्टेप से वो स्टेप बन सकता है, अगर ए बी से बड़ा है तो इससे हो सकता है कि बी ए से बड़ा हो जाए। कैसे होगा सर, कैसे होगा? देखो ध्यान से, अगर इस रिलेशन में देखो टू वन से बड़ा है ना, तो मतलब ये इसके अंदर जा रहा है ना, टू कोमा वन रिलेशन के अंदर जा रहा है ना, कर रहा है ना, इसका उल्टा भी जाना चाहिए सिमेट्री के लिए। इसका उल्टा कहां गया, वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है, इसका उल्टा जाता है नहीं जाता? के बच्चे दिमाग लगाते हैं सर, टू टू ले लो ना, टू टू का उल्टा भी जा रहा है। कैसे सर? ये देखो, इसका उल्टा करोगे सर यही आएगा। भाई साहब एक चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमेट्रिक बन गई। अगर एक किसी का सच पकड़ लिया, मतलब ये नहीं कि बंदा सच्चा है, अगर एक झूठ पकड़ लिया तो पक्का झूठ है। तो झूठा बेटा यहां से देखो, एक नहीं जा रहा ना तो पक्का नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक मतलब ये ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे बन जाएगी? तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट ए दे दिया और एक रिलेशन बेटा ये दे दी, बताना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो बेटा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए वन वन जाना चाहिए था, टू टू जाना चाहिए था, थ्री थ्री जाना चाहिए था, तो बेटा रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव लिखोगे कैसे एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव आ गया तो लिख सकते हो ना। सो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सभी के लिए जा रहे हैं, लिख दिया। सो आर इज सिमिट सॉरी रिफ्लेक्सिव, मेकअप हो गया इतना, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है वन, ठीक है, वन टू जा रहा है, टू वन नहीं जा रहा सर, टू वन नहीं जा रहा, टू वन नहीं जा रहा, ठीक है ओके। सो बेटा ये आपकी सिमेट्रिक नहीं है, कैसे लिखोगे? वन टू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट टू वन डजंट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर वन टू गया तो टू वन जाना चाहिए था, ठीक है ओके, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव चेक करते हैं, ट्रांसटिव चेक करने के लिए क्या होता है, पेयर बनाते हैं ना पेयर, इनको तो चेक भी नहीं करना, इसको पकड़ देते हैं। देखो वन टू ए बी जा रहा है और बी सी जा रहा है, तो ए सी जाना चाहिए, वन कोमा थ्री सर जा रहा है, बात खत्म नहीं हुई। इसको पकड़ो, अब इसका सेकंड थ्री है ना, किसी और का थ्री बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन रहा, इसकी किसी से पेयर नहीं बनी। इसको देखो, किसी और का थ्री बन रहा है सेकंड एलिमेंट, किसी का फर्स्ट एलिमेंट थ्री बन रहा है, नहीं बन रहा, तो दिक्कत ही दिक्कत। सो ये आपकी ट्रांसटिव है बेटा, पेयर ही नहीं बनी, बार बार कहता हूं पेयर ही नहीं बनी तो ट्रांसटिव है। अगर पेयर बन जाए फिर एसी ना जाए फिर नो ट्रांसटिव, तो बेटा ये ट्रांसटिव भी है, ट्रांसटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक। तो क्या इक्विवेलेंस बन जाएगी? नहीं बनेगी, इक्विवेलेंस नहीं बनेगी, ठीक है ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, एक रिलेशन है नेचुरल सेट के ऊपर, बहुत ही प्यारी बात है। ए आर तब रिलेटेड हैं जब बेटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमने ये बताना है कि आर किसके इक्वल आएगी, मतलब आर आप लिखकर बताओ आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसके बाद सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव चेक करने की बात है। वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में कि रिलेशन कैसे लिखी जा सकती है, तो वो देखते हैं। सो आप नेचुरल नंबर कहाँ से क्या ले सकते हो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर क्या क्या ले सकते हो। देखो ए भी नेचुरल आना चाहिए और बी भी नेचुरल होना चाहिए, मेन बात ये है। सो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ, ए की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या बी की निकाल लो, अगर आपने निकालनी तो बी की निकाल लो। 3b इक्वल टू 30 माइनस 2a, तो b क्या आ जाएगा 30 माइनस 2a डिवाइड बाय 3।
मतलब आपने ए बेटा वो डालने हैं कि बी भी किस में आए, नेचुरल नंबर में, कॉमन सी बात है, ये दोनों कहां से लेंगे, नेचुरल नंबर में से। सो ए की वैल्यू क्या डाल सकते हो, क्या ए की वैल्यू, तो वो करें थ्री कॉमन ले लेते हैं, थ्री कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रह जाएगा, थ्री कॉमन लेते हैं, टेन माइनस टू ए बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री, कट गया। ओके, तो यहां से बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम टेन माइनस टू ए बाय थ्री, ये वाली। ओके, सो यहां से अब ए की वैल्यू क्या डाल सकते हैं कि बी भी नेचुरल नंबर आए, क्योंकि सेट नेचुरल नंबर का है। सो ए की वैल्यू आप जीरो नहीं डाल सकते, नेचुरल नंबर में है नहीं, वन नहीं डाल सकते क्योंकि नेचुरल नंबर बनेगा नहीं, टू नहीं डाल सकते, थ्री डाल सकते हो, थ्री डाल सकते हो, थ्री डालने से कट जाएगा तो नेचुरल नंबर। सो ए की वैल्यू हम थ्री रख सकते हैं, तो रिलेशन के अंदर बेटा ए की वैल्यू थ्री रख सकते हैं। थ्री के साथ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री के साथ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको थ्री रखोगे तो कट जाएगा, कटने के बाद ये एट बन जाएगा आपका, थ्री एट पहला नंबर आया। उसके बाद ए की वैल्यू बेटा थ्री का मल्टीपल तो डाल सकते हैं, थ्री का मल्टीपल डाल सकते हैं, जैसे यहां पर सिक्स डालेंगे, इसके बाद सिक्स डालेंगे तो टू बचेगा, तो ये फोर आ जाएगा और ये सिक्स बन जाएगा। थ्री डालेंगे, सॉरी सिक्स डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, फोर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या डाल सकते हैं, सिक्स के बाद नाइन डाल सकते हैं, जैसे नाइन डालोगे तो बेटा थ्री, तो ये सिक्स ये फोर आ जाएगा, जैसे नाइन डालोगे तो बेटा आपका फोर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, नाइन के बाद ट्वेल्व डाल सकते हो, जैसे ट्वेल्व डालोगे तो यहां पर फोर आएगा एट और ये टू आएगा। सो अगर आपने ट्वेल्व डाला तो बी की वैल्यू कितनी आई, टू आई, ठीक। अब 15 डालकर देखते हैं क्या बनेगा, 15 डालकर देखते हैं, 15 ए की वैल्यू बेटा 15 डालते हैं तो ये 5 बन जाएगा, तो बी की वैल्यू 10 माइनस 10 जीरो आ चुकी है, और जीरो नेचुरल नंबर में है नहीं, तो मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है, तो मतलब हमने निकाल लिया ये। ओके, इसको यहां लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। सो हमारे पास बेटा ये इस रिलेशन में ये वाले एलिमेंट आपके निकल कर आते हैं, देख सकते हो सर ये क्या क्या है क्या क्या नहीं, वो उसने पूछा नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है मैंने बता दिया, क्योंकि वन वन नहीं जा रहा, टू टू नहीं जा रहा, थ्री थ्री नहीं जा रहा, फोर फोर नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि थ्री एट जा रहा है, एट थ्री नहीं जा रहा, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव आप खुद चेक कर लेना, समझदार बच्चे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये 49 क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक सेट ए दिया हुआ है ये वाला, और वो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं सच दैट कि मोड ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लेस देन एट आना चाहिए, और आर कैसे लिखी जा सकती है बेटा ये बतानी है उन्हें, आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो एलिमेंट लाने के लिए हम डाल कर देख लेते हैं, ठीक। क्या कोई वन के साथ रिश्तेदारी निभाएगा, वन के साथ यहां वन रखेंगे, वन के साथ वन डाल दो बेटा, वन वन जीरो आएगा, क्या वो एट से लेस देन है, हाँ है। अब बेटा वन के साथ क्या टू रिश्तेदारी निभाएगा, वन के साथ टू, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, वन माइनस टू का स्क्वायर बेटा फोर, तो ये थ्री आएगा, पॉजिटिव आएगा, मोड लगा हुआ है तो रिश्तेदारी निभा रहा है। क्या वन के साथ थ्री रिश्तेदारी निभाएगा, वन माइनस नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा ना, तो ये एट आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वन के साथ थ्री रिश्तेदारी नहीं निभाएगा। चलो जी, अब टू की बात, वन के साथ थ्री नहीं निभा रहा, फोर कहां से निभाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा स्क्वायर, खुद समझदार हो, तो फाइव भी नहीं निभाएगा। ओके, टू पकड़ा, टू के साथ वन तो निभाएगा ना, देखो टू है, टू का फोर और माइनस वन, वन का स्क्वायर वन आता तो ये थ्री आएगा, टू के साथ
वन तो निभाएगा और टू के साथ टू भी निभाएगा, जीरो बन जाएगी। टू के साथ यानी कि फोर रह नहीं रहना है, माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा। क्या ये रिश्तेदारी निभाएगा? हाँ, ये प्लस का फाइव आ जाएगा तो निभाएगा, यानी कि टू के साथ थ्री निभाएगा। क्या टू के साथ फोर निभाएगा? टू का स्क्वायर फोर और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, बेटे ट्वेल्व बन जाता है। ये रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, जब ये नहीं निभाएगा तो फाइव क्यों निभाएगा? वो पच्चीस बन जाएगा, ट्वेंटी फाइव, सो ठीक है, वो भी निभाएगा। अब बारी आती थ्री की, थ्री के साथ कौन रिश्तेदारी निभाएगा? थ्री के साथ वन तो कॉमन सी बात है, निभाएगा निभाएगा, वन तो कॉमन सी बात है, निभाएगा निभाएगा, चेक कर लेना। थ्री के साथ वन नहीं निभाएगा। सर कैसी बात करते हो, अभी तो ठीक हो, नहीं निभाएगा बेटा। थ्री के साथ टू निभाएगा, चेक कर सकते हो। थ्री के साथ थ्री निभाएगा, चेक कर सकते हो, डालकर जीरो आएगा। थ्री के साथ फोर, नाइन माइनस सिक्सटीन तो ये सेवन बन जाएगा ना, हाँ सेवन बन जाएगा, तो ठीक है। थ्री के साथ फोर निभाएगा, थ्री के साथ फाइव, नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा चला गया, तो नहीं निभाएगा। थ्री के साथ फाइव नहीं निभाएगा। अब बात रहती फोर की, फोर के साथ वन नहीं निभाएगा, चेक कर सकते, टू नहीं निभाएगा। फोर के साथ थ्री निभाएगा और फोर के साथ फोर निभाएगा। क्या फोर के साथ फाइव निभाएगा? रिश्तेदारी मतलब फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा? नाइन आएगा प्लस का, तो ग्रेटर देन नहीं निभाएगा, तो फोर और फाइव की रिश्तेदारी नहीं है। तो फाइव बचा अभी, तो फाइव के साथ कौन कौन निभाएगा? फाइव के साथ और कोई नहीं निभाएगा, ठीक है ना। फाइव के साथ आपका फाइव ही निभाएगा, तो बेटा ये रिलेशन आपकी आपको मिल जाएगी। अब कहोगे सर ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ रिफ्लेक्सिव है, वन वन जा रहा है, टू टू जा रहा है, थ्री थ्री जा रहा है, फोर फोर जा रहा है, फाइव फाइव जा रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है सर, वन 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 टू जा रहा है, टू वन जा रहा है, टू थ्री जा रहा है, थ्री टू जा रहा है, थ्री फोर जा रहा है, फोर थ्री जा रहा है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव बेटा देखो ये वन टू जा रहा है, ओके ये देखो इसको इसको पकड़ो, ए बी जा रहा है, बी सी जा रहा है, तो वन थ्री जाना चाहिए था ना सिमेट्री के लिए, ट्रांजिटिव के लिए वन थ्री जाना चाहिए था, वन थ्री बेटा नहीं जा रहा, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। सो यहां तक इतने क्वेश्चन, ठीक है, टेक केयर।